हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आपको फ्रंट साइड ओपन स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़े का यूज किया है और अस्तर के कपड़े को 1 मीटर लिया है। कपड़े का अरस चौड़ा था तो इतने कपड़े में मेरा कुर्ती आराम से तैयार हो गया है, लेकिन अगर आप इस तरह की कुर्ती बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम 2.5 मीटर कपड़े का यूज करें। तो चलिए कुर्ती की मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करना है, उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। देखिए मैंने इसको इस प्रकार से फोल्ड किया है, ये मेरा 4 लेयर में फोल्ड होगा। सबसे पहले कपड़े के ऊपर इस प्रकार से हम लाइन बना देंगे जिससे कि हमारा कपड़ा एक बराबर से हो जाए। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। मेरे कुर्ती की टोटल लंबाई 56 इंच है, जिसमे से मेरा ऊपर वाले पार्ट की लेंथ 18 इंच रहेगा। 18 इंच में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के उसमें इस प्रकार से मैंने मार्किंग करके लाइन खींच लिया है। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ। 7 इंच पे इस प्रकार से मार्क करने के बाद मैं आर्म राउंड के लिए भी 7 इंच लूंगी। 7 इंच पे इस प्रकार से फिर मार्क कर देंगे। इस साइड से भी हम चेक कर लेंगे, जितनी दूरी पर हमारी शोल्डर है उसी तरह से हम 7 इंच की दूरी पे यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद इस प्रकार से हमें मिला देना है और उसके बाद आर्म राउंड में भी इस प्रकार से हम लाइन खींच देंगे। ये वाली लाइन हमारी चेस्ट की लाइन होती है। फिर इस लाइन से हम 7 इंच की दूरी पर एक और मार्किंग करके इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। इस लाइन पे हमारी कमर की मार्किंग होगी। लाइन खींचने के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मेरे मेजरमेंट में चेस्ट 34 इंच है। 34 इंच का हम चौथा हिस्सा लेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद 0.75 की दूरी पर एक और मार्किंग करेंगे लूजिंग के लिए। फिर उस मार्किंग से 1.5 इंच की दूरी पर एक और मार्किंग कर देंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। सेम इसी प्रकार से हम कमर की भी मार्किंग करेंगे। कमर की लंबाई 30 इंच है। 30 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच की दूरी पर हम मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद उस मार्किंग से हम आधा इंच की दूरी पर एक और मार्किंग करेंगे। फिर इस मार्किंग से हम 1.5 इंच की दूरी पर एक और मार्किंग करेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। सेम इसी प्रकार से हमारी जो तीसरी लाइन है वहाँ पे भी हम कमर की ही मार्किंग करेंगे। पहले हम 7.5 इंच की दूरी पर मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम आधा इंच की दूरी पर लूजिंग के लिए मार्किंग करेंगे। फिर उस मार्किंग से हम 1.5 इंच की दूरी पर स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद हमने जो लूजिंग के लिए मार्किंग किया है हमें उस मार्किंग से मिला देना है तीनों लाइन को। उसके बाद स्टिचिंग मार्जिन के लिए जो हमने मार्किंग किया है उसको भी इसी प्रकार से मिला देंगे। तीनों लाइन को मिलाने के बाद से हमें आर्म राउंड का शेप देना है। इस प्रकार से हम आर्म राउंड की लाइन से लाइन बनाते हुए हम चेस्ट की लाइन पे इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से देखिए हमें गोलाई दे देना है। इस प्रकार से गोलाई देने के बाद हम आर्म राउंड की लाइन से 1 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद शोल्डर में हमें इस प्रकार से मिला देना है। शोल्डर में मिलाने के बाद हम आधा इंच की दूरी पर इस प्रकार से एक और गोलाई देंगे। ये हमारे फ्रंट साइड का आर्म राउंड है। आर्म राउंड की मार्किंग करने के बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग 4.5 इंच पे कर रही हूँ। इस प्रकार से 4.5 इंच पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मेरा 7 इंच है तो मैं यहाँ पे मार्किंग में 4 इंच पे कर रही हूँ। आप चाहें तो 3 इंच या 3.5 इंच पे भी नेक विड्थ की मार्किंग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक बार चेक कर लें कि हमारी नेक विड्थ और नेक की मार्किंग एक बराबर से हो। मार्क करने के बाद हमें लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद हम इस प्रकार से राउंड शेप देंगे। इस प्रकार से देखिए मैंने इसका गोलाई दे दिया है। इस प्रकार से गोलाई देने से हमारा नेक जो है बोट नेक के जैसा तैयार होगा। नेक की मार्किंग करने के बाद शोल्डर में हम 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करके इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से कुर्ती के मैंने अस्तर की मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कपड़े की कटिंग करने के बाद इस प्रकार से आप कट बना लें। कपड़े की कटिंग करने के बाद हम फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे। अगर आप फ्रंट और बैक दोनों का नेक एक समान बना रहे हैं तो एक साथ रख करके उसकी कटिंग कर सकते हैं। और बैक को अलग करने के बाद फ्रंट के नेक की कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने 4 इंच पे जो मार्क किया था उसको मैंने कट कर लिया है। नेक की कटिंग करने के बाद मैंने फ्रंट साइड में जो 1/2 इंच की दूरी पर अंदर की साइड में मार्क किया था उसको भी इस प्रकार से कट करके निकाल लेंगे। मैं आपको खोल के दिखा दे रही हूँ। देखिए मेरे फ्रंट साइड का नेक इस प्रकार से आया है। फ्रंट की कटिंग करने के बाद हम बैक साइड को लेंगे। देखिए ये मेरा बैक साइड है। बैक साइड में आप जितनी भी बड़ी नेक आती हैं आप उतनी दूरी पर उसकी मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के बाद उसकी हम कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे 4 इंच की दूरी पर नेक की कटिंग करूंगी। इस प्रकार से हमें गोलाई देते हुए कटिंग कर लेना है। इस प्रकार से फ्रंट और बैक दोनों कपड़े के अस्तर की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कपड़े पर हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर लें। कपड़े को फोल्ड करते समय आप अपनी लेंथ के अनुसार उसका लेंथ देख लें कि किस साइड से आपका लेंथ आराम से आ जाएगा और कपड़े की एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट के अनुसार ही कपड़े को फोल्ड करें। इस प्रकार से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लें। इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड करेंगे जिससे कि ये हमारा 4 लेयर में हो जाए।
फोर लेयर में फोल्ड करने के बाद हम बैक साइड के कपड़े को इस प्रकार से रखेंगे और इस पर मार्किंग कर देंगे। आप चाहें तो इस प्रकार से रख करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें मार्कर देना है। मार्किंग करने के बाद हम अस्तर के कपड़े को हटा लेंगे। उसके बाद जो हमने लाइन बनाया है उससे आधा इंच की दूरी छोड़ करके आप इसकी कटिंग कर लें। इस प्रकार से मैंने ड्रेस के ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की। इस प्रकार से कटिंग करने के बाद बचे हुए कपड़े में हम नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे जो हमें घेर बनाना है। कपड़े में से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद हमें इस प्रकार से इसको फोल्ड करना है। कपड़े को फोल्ड हमें इस प्रकार से करना है जिसमें कि हमारे ड्रेस की लेंथ आराम से आ जाए। देखिए मैंने इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। चार लेयर में इसको हमको फोल्ड करना है। इस प्रकार से फोल्ड करके इसको अच्छे से सेट कर लें। इस प्रकार से अच्छे से फोल्ड करने के बाद ऊपर वाले पार्ट के अस्तर का बैक साइड हम लेंगे। जितने भी दूरी पर आपका अस्तर आ रहा है वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। फिर उस मार्किंग से आधा इंच की दूरी पर एक और मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमें इस प्रकार से लेंथ की मार्किंग करनी है। जितनी भी आपके ड्रेस की टोटल लेंथ है उस लेंथ में से हम ऊपर वाले पार्ट की लेंथ की लंबाई माइनस कर देंगे। उसके बाद जितनी भी आपकी लेंथ बचती है उतनी लेंथ पर हम मार्किंग कर लेंगे और एक इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। जैसे कि मेरे ड्रेस की टोटल लेंथ 56 इंच है, 56 इंच में से मैं ऊपर वाले पार्ट की 18 इंच माइनस करूंगी तो ये 38 इंच आएगा। इस प्रकार से नीचे वाले पार्ट की मेरी टोटल लेंथ 38 इंच आ रही है। 38 इंच पे इस प्रकार से मार्क करने के बाद मैंने सीधा लाइन बना दिया है। नीचे से सीधा लाइन बनाने के बाद ऊपर कमर की साइड से हम नीचे इस प्रकार से कॉर्नर पे मिलाएंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। मैंने यहाँ पे इस प्रकार से सीधा लाइन बनाया है। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो इस प्रकार से हमारा लाइन बनाने के बाद यहाँ पे गोलाई आएगा। इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे और नीचे की साइड में जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमारे स्लीव की कटिंग होगी। इस प्रकार से नीचे वाले पार्ट की यानी कि घेर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको इस प्रकार से खोल लेंगे। इस प्रकार से खोलने के बाद हम एक कपड़े को अलग कर लेंगे, उसको हटा देंगे और इस प्रकार से हम दूसरा वाला कपड़ा इस प्रकार से फैला लेंगे। उसके बाद इस प्रकार से कपड़े को आप अच्छे से फैला लें। कपड़े को इस तरह से रखने के बाद हम 5 इंच की दूरी पर इस प्रकार से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद टेप की सहायता से हम सीधी लाइन बना देंगे। इस प्रकार से आप इसमें सीधा लाइन बना दें, बिल्कुल भी टेढ़ा लाइन ना हो। लाइन बनाने के बाद इसको हम कट कर देंगे। देखिए इस प्रकार से मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद ये हमारा फोल्डो के यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में अस्तर लगा के इस प्रकार से रख लेना है। इसको अच्छे से फैला करके सेट कर दें। उसके बाद हम इसमें पिनअप कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें अस्तर और कपड़े को लेकर के पिन से अटैच कर देना है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पार्ट को भी पिनअप कर देंगे। इस प्रकार से पिन से अटैच करने के बाद हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। जिस प्रकार से हमने पिनअप किया है उसी तरह से हम 0.25 इंच की दूरी पर अस्तर के ऊपर से स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग हमें चारों तरफ से कर देनी है। इस तरह से देखिए मैंने इसको चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम सारे पिन को रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो स्टिचिंग के दौरान ही रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से कपड़े में से पिन को रिमूव करने के बाद अस्तर के बाहर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इसका नेक की स्टिचिंग करेंगे। देखिए मैंने नेक की स्टिचिंग कर ली है। तिरियक पट्टी की सहायता से मैंने इस नेक को बनाया है। नेक की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैंने अलग से दिया हुआ है। आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद ड्रेस के नीचे वाले पार्ट के फ्रंट साइड को लेंगे। इसमें जो हमने कट बनाया है उसको इस प्रकार से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करके स्टिच करना है। इस प्रकार से देखिए मैंने दोनों कपड़ों को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम फ्रंट साइड के ऊपर वाले पार्ट को लेंगे और उसको इसमें अटैच कर देंगे। देखिए हमने ऊपर वाले फ्रंट साइड को इस प्रकार से रख लिया है। उसके बाद फ्रंट साइड के नीचे वाले पार्ट को लेंगे और उसको इस फ्रंट वाले साइड के ऊपर वाले पार्ट के ऊपर रख देंगे। दोनों पार्ट के सीधी साइड एक दूसरे के सामने होगी और उल्टी वाली साइड हमारी बाहर की साइड में होगी। इस तरह से इसको मिलाने के बाद हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद नीचे वाले घेर के फ्रंट साइड के दूसरे वाले पार्ट को भी इसमें अटैच करेंगे। इस प्रकार से हमें बिल्कुल पास में रख करके इसको स्टिच कर देना है। देखिए इस प्रकार से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद मैं आपको सीधी साइड से दिखा दे रही हूँ। देखिए सीधा करने पे ये इस प्रकार से आएगा।
इसी प्रकार से हम बैक साइड के भी अपर और लोअर दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड के अपर वाले पार्ट को इस प्रकार से रख लेंगे। उसके बाद हम बैक साइड के नीचे वाले पार्ट को भी इस प्रकार से रख करके दोनों को एक बराबर से मिला लेंगे। देखिए, मेरा आधा इंच कमर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है, क्योंकि कटिंग करते समय मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके कट किया था। फ्रंट साइड के कुर्ती के ओपन वाले पार्ट को बनाने के लिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा कट किया था। देखिए, इस प्रकार से मैंने बराबर से मिलाते हुए आधा इंच की दूरी पर इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद देखिए, सीधी साइड में मेरा ये इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से दोनों पार्ट को स्टिच करने के बाद हम फ्रंट और बैक को लेंगे और शोल्डर को स्टिच कर देंगे। इस प्रकार से मैंने इसको देखिए बराबर से मिलाते हुए इसको स्टिच कर लिया है। शोल्डर में आए हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल लेंगे। शोल्डर की स्टिचिंग करने के बाद हम स्लीव को इसमें अटैच करेंगे। देखिए, मैंने स्लीव को कट कर लिया है। स्लीव की कटिंग का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। स्लीव की कटिंग करने के बाद इसकी किनारी को हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड करके इसको स्टिच कर देना है। देखिए, इस प्रकार से मैंने दोनों स्लीव के किनारी को स्टिच कर लिया है। स्लीव के किनारे को स्टिच करने के बाद मैंने स्लीव को कोल्ड शोल्डर वाला स्लीव बनाया है। उसके बाद मैंने इसको कुर्ती में अटैच कर लिया है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। स्लीव को अटैच करने के बाद कुर्ती को हमें इस प्रकार से लेना है और सीधी वाली साइड अंदर की साइड में रखेंगे और उल्टा वाला साइड हम बाहर की साइड में रख करके इस प्रकार से हम बराबर से मिलाएंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद कुर्ती के दोनों किनारी को हम स्टिच करके अटैच करेंगे। देखिए, इस प्रकार से मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद हमने जितनी भी कटिंग के समय में स्टिचिंग मार्जिन लिया था उतनी दूरी पर हम इस प्रकार से मार्क कर देंगे। जैसे कि मैंने कुर्ती में 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लिया था, इस प्रकार से 1.5 इंच की दूरी पर स्टिचिंग मार्जिन का मार्किंग करते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। और नीचे वाले पार्ट में हमने जितना कपड़े को एक्स्ट्रा लिया था उसको हम कट करके इस प्रकार से निकाल लेंगे। देखिए, इस प्रकार से मैंने 1.5 इंच की दूरी पर स्टिच करते हुए कमर तक मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद मैं नीचे के घेर में इस प्रकार से तिरियक लेते हुए मैं नीचे की साइड में 1/2 इंच की दूरी पर स्टिच करूंगी और उसके बाद हम इस प्रकार से इसको स्टिच करेंगे। नीचे की साइड में हमारा स्टिच करते हुए हम 1/2 इंच की दूरी पर स्टिचिंग करेंगे। देखिए, इस प्रकार से मैंने एक साइड के पूरे साइड में मैंने स्टिच कर लिया है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले साइड में भी मार्क करके उसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद देखिए, ये मेरा इस प्रकार से आया है। देखिए, इस प्रकार से ये उल्टा वाला साइड है और ये सीधी वाली साइड है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।